सो यहाँ पे हाइपरओएस 2.0 का न्यू सिस्टम हमारा हाइपरओएस 2.0 के साथ ही लॉन्च किया जाने वाला है। और ये वाला सिस्टम असल में यूआई का सिस्टम है, जो कि यहाँ पे शाओमी इस वाले सिस्टम को भी अब यहाँ पे कॉपी करने के लिए जा रही है, यानी कि अपने सिस्टम में यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए जा रही है। सो इस वाले सिस्टम का यहाँ पे नाम क्या है और इसी के साथ इसमें हमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। सो यहाँ पे हाइपरओएस 2.0 का जो अपग्रेड है वो आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे चाइना रीजन में देखने के लिए मिलने वाला है, और चाइना रीजन में मिलने के बाद ग्लोबल इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे हाइपरओएस 2.0 विल बी इक्विप्ड विद हंगू हाइपर आर्किटेक्चर 2.0। सो ये चाइना से ट्रांसलेट करके इसका ट्रांसलेट हमें असल में ये देखने के लिए मिला। सो इसमें ये आपको हाइपर का आर्किटेक्चर 2.0 देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे जो यूआई का फीचर है आपको LROFS देखने के लिए मिलेगा। सो इसको यूआई का फीचर में कुछ और नाम यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे शाओमी ने इसको यहाँ पे रीनेम कर दिया है एंड अदर न्यू सेल्फ डेवलप टेक्नोलॉजीज़। सो हाइपरओएस 2.0 में आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। LROFS6 एक्चुअली में ये यहाँ पे ERFS है, विच इज़ डेवलप्ड बाय यूआई, बट एज पर रिपोर्ट्स शाओमी हाइपरओएस 2.0 विल कम विद LROFS, सो इट मे बी डेवलप्ड बाय शाओमी। सो ये वाला फीचर आपको हाइपरओएस 2.0 में देखने के लिए मिलेगा, जो आपके सिस्टम को और भी ज़्यादा स्मूथ एंड एनिमेट यहाँ पे बना देगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर दी शाओमी हाइपरओएस 2.0 न्यू सेल्फ डेवलप टेक्नोलॉजीज लाइक LROFS and more? Comment now and subscribe now.